हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं भद्रकाली मंदिर और आप देख सकते हैं यहाँ पे गए हुए हैं अंदर पूजा करने के लिए जितने भी लोग आए हैं फैमिली से, और अभी वो पूजा करके बाहर नहीं निकले हैं तो अभी आने ही वाले हैं, तो आप देखिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और इधर मंदिर का पूरा सीन आपको दिख रहा है और बहुत पूजा पाठ चल रही है, लंबी भीड़ लगी हुई है, फैमिली वाले पूजा करके इधर देखिए निकल चुके हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे भीड़ हमेशा रहती ही रहती है। इस बार तो हम लोग थोड़ी जल्दी आ गए थे तो थोड़ी जल्दी ही पूजा हो गई थी सबकी, तो बस यहाँ से देख रहे हैं आपकी पूजा करके। सामने पंडित जी ऐसे हाथ में कलावा बांध रहे हैं सबके, तो बस वही चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे भी लोग जाते हैं दर्शन करने और पूजा करने के लिए। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं आप कितने एक्साइटेड हैं और उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और इसे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूजा पाठ चल रही है इनकी। और फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है सभी लेडीज़ के लिए, तो आप ज़रूर देखना और मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे। हर लेडी, हर गर्ल की ख्वाहिश होती है कि मतलब उनकी जो स्किन है वो मतलब बहुत ही अच्छी हो, ग्लो करे, वो मतलब हमेशा यंग दिखें। तो अगर आप इस चीज़ को ट्राई करते हैं, मेरी बताई हुई रेमेडी को ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं, आपकी स्किन को थोड़ा ब्राइट करेगा और लाइट करेगा और मतलब बहुत ही फ्लॉलेस बना देगा। आप हमेशा यंग दिखोगे, ये आपके रिंकल्स होने नहीं देगा और टैंग होने से बचाएगा, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। बस आप इसे एक बार ट्राई करें और देखिए इफ़ेक्ट आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। फ्रेंड, तो यहाँ पे बस आप देख रहे हैं ये संतरे के छिलके का पाउडर है जो मैंने धूप में सुखाकर बनाया है इसे। तो मैं आपको बस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को कर्ड मीन्स दही सूट नहीं करती है फेस पे या स्किन पे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर भी रखा है ये। तो आप अगर दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं जिन्हें दही सूट नहीं करता, तो बस वही इफ़ेक्ट आएगा आपके चेहरे पे जो कर्ड लगा कर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसे लगाना। वही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने वही जो संतरे का जो छिलका है उसका ही ये बनाया हुआ है सुखाकर पीसकर, और उसका जो पेस्ट है मैंने बताया इसमें कर्ड मिलाया है और ये है। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं फेस पे और इफेक्ट देखते हैं। उसे अच्छे से 2 मिनट तक पूरे अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करें और फिर इसे वॉश करें। कम से कम आपको 2 मिनट अपने फेस पे मसाज करना ही होगा, उसके बाद ही ये मतलब क्लीन और क्लियर दिखने वाला है। आप इसे मतलब 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अपने फेस को वॉश कर लें और फिर आपको ये इफेक्ट जरूर दिखेगा, और फिर देखें कि आपका आपके जो मसाज करने से जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ये सारे अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और आपकी फेस की जो टैंग है, आप धूप में जाते हो, निकलते हो बाहर, या फिर डस्ट पॉल्यूशन की वजह से आपकी फेस डल, ड्राई और डैमेज हो गई है, तो ये आप मतलब जितने भी टाइप्स के होते हैं स्किन प्रॉब्लम, आपकी फेस की स्किन प्रॉब्लम, तो हर कुछ वो रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइटनिंग दिखाएगा और बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहेगा, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और क्लीन भी हो जाएगी। ये आप खुद ट्राई करें और फिर देखें कि ये कितनी अच्छी हो। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही मैं आपको इफ़ेक्ट दिखाऊंगी।
फ्रेंड, तो मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। और मतलब फर्स्ट टाइम आप लगाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम से ही इफेक्ट नज़र आने लगेगा। मतलब आपकी फेस इतनी अच्छी क्लीन और क्लियर लगेगी ना, जो आप ऐसे छू कर भी देखोगे ना अपने हाथ से, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब स्मूथ लगेगा आपको आपके फेस पे, क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया है, मतलब जो संतरे के छिलके का जो बनाया है पाउडर, मतलब उसमें भी संतरे में तो हम जानते हैं कि ऑरेंज में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, फेस को लाइटनिंग ब्राइटनिंग और ग्लोइंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं, और जो कर्ड होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मिलकर, दोनों का बैलेंस जो है वो हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट लेकर आया है। तो आप फर्स्ट बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको फर्स्ट बार आपने यूज़ किया और आपको ये कैसा फील हुआ। थैंक यू।